चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल करके गन पॉइंट पर रखकर उसकी साख को नुकसान पहुंचा के उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसके लिए इमरान खान का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ये बहुत ही ईमानदार अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो अभी उसके खिलाफ तनकीद का निशाना क्यों बना रहा है? ताकि फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला ना आए। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है। ये जो आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। फाइनेंशियल अखबारों में दुनिया की नंबर वन अखबार समझी जाती है, नंबर वन जरीदा समझा जाता है, और फाइनेंशियल टाइम की कोई भी खबर आज दिन तक कभी बाउंस नहीं हुई, कभी उसकी कोई भी खबर पे कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके खिलाफ कोई केस जीता हो। तो पहली बात, इमरान नियाज़ी फौरी तौर पर अगर अखलाक की जरूरत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। जिस तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी के जरिए, धोखा दही के जरिए, चीटिंग के जरिए पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में आते गए और फिर वही पैसे मुल्क में मुख्तलिफ माजों पर खर्च किए गए, चाहे वो इमरान खान की इलेक्शन कैंपेने हो, उसके घर का किचन हो, उसके पूरे खानदान की प्रॉपर्टीज की परचेजिंग हो, या तो फिर जो सोशल मीडिया पे पेड किस्म के जो कैंपेने चलाना हो, ये सारे इस फॉरेन फंडिंग से अमल में आए। कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए ताकि ये बैरूपिया शख्स मुल्क से फरार ना हो सके। आज इस फैसले से साबित हो गया कि इमरान खान नियाज़ी ने सिर्फ अवाम को झूठ बोला, सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया। बैरूपी शख्स ने अवाम को ठेस पहुंचाई, अवाम से जो वादे किए थे तो उसने अपना एक चेहरा साबित किया था। आज वो शराफत इसके मुंह से उतर चुकी है और ये जाहिर हो गया है ये शख्स जो कि इस मुल्क में पाकिस्तानी सियासत में एक नासूर बन चुका है। इस शख्स ने इस मुल्क की अवाम को धोखा दिया है। इस शख्स के सिर्फ जाती मुफादात थे, चाहे इसने कभी शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर जो फंड लिए हों और चाहे इस शख्स ने पीटीआई के नाम पर जो फंड्स लिए, उन सब में दो नंबर ही साबित है। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़े और अगर कानून गुंजाइश देता है तो उस शख्स को गिरफ्तार की